दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे एजुकेशन चैनल हैशटैग राउसर 113 में। और मैं यहाँ बताऊँ कि हम लोग बहुत ये हमारा वीडियो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि ये वीडियो में हम लोग दो विकास के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एक तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, तो हम लोग पौधों का विकास करने के लिए हम लोग फिर से एक बढ़िया लिक्विड खाद, जो एग्जैक्टली लिक्विड हार्मोन है, हम लोग वो तैयार करने वाले हैं, जिसका डिटेल हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरा दोस्तों, यही वीडियो में आपको एक व्यक्तित्व विकास का भी मैं इसमें मैंने लेक्चर ऐड किया हुआ है, तो वो भी मैं ऐड करूँगा। मतलब ये वीडियो में आपको व्यक्तित्व विकास और पौधों के विकास दोनों का एक साथ आप डेवलपमेंट देख पाएंगे। अब ये क्यों है, ये अभी आपको मैं पूरा डिटेल बताऊँगा तो आपको पूरा क्लियर होगा कि हम लोग लिक्विड खाद के साथ ही हम लोग जो विकास हम लोग करने वाले हैं पौधों का, उसके साथ व्यक्तित्व विकास को हमने कैसे जोड़ा। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं हम बताऊं कि जैसे कि पिछले बार आपने देखा था, हमने लिक्विड खाद का हमने वीडियो तैयार किया था और काफ़ी हमारे दोस्त मैंने हमारे दोस्तों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट दिए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं उन सभी दोस्तों का मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ जिन्होंने अच्छे अच्छे कमेंट दिए, तो मैं उनके नाम भी लेता हूँ ताकि आपने जो एंकरेजमेंट किया, जिसके इसी कारण हमने यह वीडियो, हमारा जो मनोबल बढ़ा उसी कारण हमने ये सेकंड वीडियो हमने तैयार किया है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद कहता हूँ फैशन एंड फैनरी चैनल से रीत का, जिन्होंने बहुत अच्छा थम्सअप करके बताया कि काफ़ी अच्छा हमने वीडियो तैयार किया। और उसके बाद मैं धन्यवाद देता हूँ मैं लक्ष्मण रेड्डी का, जिनको ये जो खाद बनाने का टेक्निक काफ़ी ऑसम लगा, तो मैं आपको भी थैंक्स कहता हूँ। और मैं धन्यवाद कहता हूँ राजेश सोनकर जी का, जिन्होंने सवाल किया था कि क्या हरी पत्तियाँ भी डाल सकते हैं। तो मैं सबसे पहले तो उनके वीडियो देखने और कमेंट के लिए मैं सवाल करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इसका जवाब ये है दोस्तों कि ये जो हमने लिक्विड खाद बनाया था पिछले वीडियो में, उसमें हमने कहा था कि ड्राई लीव्स, तो जो हरी पत्तियाँ कभी कभी टूट जाती है, तो वो अगर आप छोड़ देते हैं तो एक हफ्ते में सूख जाती है, उसके बाद आप उसको वो खाद के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। और अंत में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ फिटनेस मोटिवेशन चैनल का, जिन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया उन हमारे लिक्विड खाद के वीडियो के बारे में। और दोस्तों, आप चारों का मैं तहे दिल से हमारे चैनल हैशटैग राउसर 113 इन एसोसिएशन विद हैशटैग जिप्सी मुसाफिर 113 की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपके इतने अच्छे मोटिवेशनल कमेंट के कारण हमारा मनोबल बढ़ा, एंकरेजमेंट हुआ, और इसीलिए हमने यह वीडियो तैयार किया हुआ है। और आप लोगों के लिए मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि पग पग में सुनहरे फूल खिले, कभी ना हो गमों का सामना, पग पग में सुनहरे फूल खिले, कभी ना हो गमों का सामना, ज़िंदगी आपके खुशियों से भरी हो, यही है मेरी शुभकामना। तो दोस्तों, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखने के बाद भी आप लोग ज़रूर बताएंगे आपको कैसा लगा, ताकि हम लोग हमारी वीडियो में कमेंट करें। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि चार दोस्तों ने बहुत अच्छे कमेंट किए, जिसके कारण हमारा उत्साह और मनोबल बढ़ा और हमने यह वीडियो तैयार किया है। लेकिन एक हमें एक नेगेटिव कमेंट भी आया है, तो मैं चाहता हूँ वो भी मैं शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि सभी कमेंट का मैं स्वागत करता हूँ। तो हमें एक कमेंट आया था दोस्तों, अच्छा पकाते हो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो लिक्विड खाद हमने तैयार किया था तो उसमें हमें एक कमेंट आया था, अच्छा पकाते हो। ये कमेंट आया है सुचेता चौधरी मैडम जी का। तो सुचेता चौधरी जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना वैल्यूएबल नेगेटिव कमेंट दिया, आपने समय निकाल के हमारा वीडियो देखा और आपने पेन लेके जो आपको समस्या हुई उसको लेके आपने कमेंट भी किया, अच्छा पकाते हो, तो मैं आपको उसका धन्यवाद देता हूँ। लेकिन दोस्तों, इस बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है कि पिछले बार जो हमने लिक्विड खाद का जो हमने वीडियो तैयार किया था, उसमें हमने बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में डिस्कशन किया था। वो समस्या थी ग्लोबल वार्मिंग, वो समस्या थी कि कैसे आप ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाएंगे, कैसे आप हरियाली को बढ़ाएंगे। उसमें मैं आपको फिर से बताता हूँ, जो सुचेता चौधरी मैडम को जो अच्छा पकाते हैं
जो उन्होंने कमेंट किया, जिनको यह चैनल यह जो कंटेंट पकाऊ लगा और जिन्होंने नहीं देखा तो उनको मैं बताऊं दोस्तों, मैं फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि पिछले बार हमने यही डिस्कस किया था कि हम लोग अभी जो 21वीं सदी में जो हम लोग इतना आगे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, बाजारीकरण जो के दौर में हम लोग आगे इतना बढ़ते जा रहे हैं कि हम लोग प्रकृति से हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं उसका। जैसे हम लोग चौड़ीकरण कर रहे हैं तो हम लोग पेड़ काट दे रहे हैं, और चौड़ीकरण समझ में आ रहा है कि ठीक है आवाजाही को आप सहूलियत देने के लिए किया जा रहा है, लेकिन मैंने जो इस विषय में मैंने चर्चा किया था पिछले बार ये था कि हम लोग जो कॉलोनी में रहते हैं दोस्तों, वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो बगीचे की जो ज़मीन छोड़ी गई है वहाँ पर हमने यही बात किया था कि सांस्कृतिक भवन का वहाँ निर्माण कर दिया जाता है, वहाँ पर फिर उसके बाद वहाँ उसको फिर धार्मिक भवन के रूप में उसको जो है वो बदल दिया जाता है, और उसके बाद वहाँ पर समय के रहते रहते वहाँ अलग अलग आप कॉर्नर में जो है वो किराए हेतु कमरे बना दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वो कैसे होता है, वो वहाँ पर मांगलिक कार्यक्रम जैसे शादी की पार्टियाँ, जन्मदिन की पार्टियाँ या राजनीतिक कार्यक्रम, इस टाइप के कार्यक्रम वहाँ होते हैं। तो इस कारण क्या होता है दोस्तों, बगीचे में जहाँ पर 100-100 पेड़ हुआ करते थे वहाँ पर गिन चुन के वहाँ पेड़ रहते हैं। पिछले बार मैंने यही डिस्कशन किया था और मैंने यही कहा कि जब इस टाइप के वहाँ कार्यक्रम अगर होते हैं या इस टाइप के भवनों का निर्माण कर दिया जाता है तो वहाँ सैकड़ों की तादाद में दोस्तों पेड़ों को काटा जाता है, और अब सैकड़ों पेड़ों को काटा जाता है तो आप सोच सकते हैं कितनी गंभीर समस्या है। आज अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये अभी लॉकडाउन का समय है दोस्तों, तो ये जो समस्या आई है वो प्रकृति की देन है, प्रकृति आपसे कुछ कहना चाहती है, वो आपको शायद एक तरह से दंड के रूप में दे रही है कि आपने प्रकृति से खिलवाड़ क्यों किया। तो यही दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अब ऐसे समस्या से निपटने के लिए मैंने कहा था, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि क्या कर सकते हैं हम लोग छत में इस प्रकार। जैसे मैंने आप देख सकते हैं मैंने बागवानी तैयार किया हुआ है, मैंने पौधे लगाए हैं मैंने गमलों में, ताकि आपके घर का ऑक्सीजन लेवल कम से कम थोड़ा सा बढ़े, जिसमें कुछ पेड़ हैं जैसे 24 घंटे ऑक्सीजन देते, जैसे इरिका पाम है, स्नेक प्लांट है, उस बारे में हम लोग डिस्कशन ज़रूर करेंगे। तो मैंने पिछले में यही कहा था कि दोस्तों हम लोग एक योगदान ये कर सकते हैं कि घर में आप लोग जो है बागवानी का तैयार करें, ताकि हम लोग ये समस्या से हम लोग जो है पाएँ। अगर सोचिए दोस्तों, अगर आपके घर के सामने अगर पौधे ना हो बगीचे की ज़मीन में, वहाँ अगर भवनों का निर्माण कर दिया जाए तो आपको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, आप जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो कैसे बना पाएंगे आप, पर्यावरण जो है तो प्रकृति आपसे कुछ कहना चाह रही है। जो अभी तो हम लोग जो वैश्विक संकट से जो अभी हम लोग गुजर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ ये घर में आप लोग बैठ के वीडियो देख रहे हैं अभी, क्योंकि आप बाहर तो निकल नहीं सकते। तो दोस्तों यही वीडियो मैंने पिछले बार तैयार किया था और मैंने यही कहा था कि हमारे चैनल ने एक कदम उठाया है एक ग्रीन हरियाली को बढ़ाने के लिए, उसी के लिए हम लोग यह वीडियो तैयार किया हमने लिक्विड खाद का, और यही कंटेंट जो है सुचेता चौधरी मैडम ने कहा था अच्छा पकाते हो। तो दोस्तों मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि क्या ये ग्लोबल वार्मिंग जैसा इतना सीरियस मैटर है, इसके बारे में अगर आपको मैंने शेयर किया तो आपका इस बारे में एक बार ज़रूर बताइएगा कि क्या कहना है। लेकिन मैं ये एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर ये चौधरी मैडम को अगर यह कंटेंट पकाओ लगता है तो एक ही इंसान है जो आके उनको ये समझा सकता है कि पौधारोपण करना ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, और वो व्यक्ति है चाचा चौधरी। तो मैं चाचा चौधरी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और सुचेता चौधरी मैडम को ज़रूर समझाए कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हम लोग बहुत ही संकट वाली स्थिति में हम लोग गुजरने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये नेगेटिव कमेंट का डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मैंने जैसे कहा कि वीडियो शुरू मैंने किया तो ये वीडियो में आपको दो चीज़ का विकास होने वाला है, एक तो पौधों का विकास और दूसरा आपका व्यक्तित्व का विकास। तो दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपको भी आपके स्कूल कॉलेज या आपके गली मोहल्ले या आपके ऑफिस में इस प्रकार लोग मिलते होंगे जो नकारात्मक विचार
या संकीर्ण विचारधारा डाल के आपका मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना भी है दोस्तों हम लोग को, और आप लोगों ने इतना अच्छा कमेंट दिया था, इसलिए उसी बढ़े हुए मनोबल के कारण मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो नेगेटिव कमेंट आया था उसने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन इस कारण जो ये जो अच्छा पकाओ वाला जो कमेंट आया था सुचेता चौधरी मैडम की तरफ से, तो उससे मुझे दो वाक्य याद आए, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब दोस्तों देख सकते हैं आप लोग भी घर में ही हैं और हम लोग कहीं बाहर भी निकल नहीं रहे हैं, तो मैं आप लोग हमारे फ्रेंड है, फैमिली भी है, तो मैं आपसे शेयर भी करना चाहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर अच्छे से एंजॉय करके सुनेंगे, क्योंकि ये व्यक्तित्व विकास का एक पॉइंट भी है कि हम लोग जब स्कूल में हुआ करते थे दोस्तों, तो जब हम एक हमारी एक सहपाठी हुआ करती थी, तो हम लोग जब भी वाद विवाद करते थे, जब वो कोई बात समझ नहीं पाती थी, तो हमेशा वो एक लाइन कहती थी, वो मैं लाइन आपको यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। वो कहती थी, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो दोस्तों वो बात आज भी वो प्रासंगिक है, उस समय वो बात मुझे समझ नहीं आती थी कि वो क्या कह रही है, लेकिन आज मुझे अभी जैसे हमने वाक्य हमने डिस्कशन किया उसमें ये बात बिल्कुल पूरी तरह प्रासंगिक है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको भी समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। और दूसरा यहाँ भी एक और वाक्य जो मैं बता रहा था वो ये था कि स्कूल में दोस्तों इसी प्रकार एक विद्यार्थी हुआ करता था, तो उसे भी जो उसके सहपाठी उसे परेशान करते थे, जब भी वह कुछ कहता तो उसे यही कहते थे, अच्छा पकाता है। तो वो सहपाठी जो जो विद्यार्थी है वो अपने शिक्षक के पास जाता है और अपने सहपाठियों का शिकायत करता है, ऐसी ऐसी बात हो रही है, और जब भी मैं कुछ कहता हूँ तो वो कहते हैं भाई पका, अच्छा पकाता है, पका मत, बोर मत कर, इस टाइप। तो दोस्तों ये शिक्षक उसे एक छोटी सी कहानी बताते हैं और बताते हैं कि अगर तुम सड़क पे जा रहे हो और अगर आपको सड़क पे किसी पागल कुत्ते ने काट दिया, तो मुझे आप ये बताइए कि आप भी क्या पागल कुत्ते को काटने दौड़ोगे या फिर आप अस्पताल की ओर दौड़ लगाओगे। तो दोस्तों यही मैं कहना, आप समझ गए होंगे कि सार क्या है। सार यही है कि आपको लोग, नकारात्मक लोग, संकीर्ण विचारधारा वाले लोग मिलते रहेंगे, जो खुद तो कुछ करते नहीं होंगे, लेकिन और जो लोग करते हैं, दूसरा जो कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं किसी सकारात्मक चीज़ को डेवलप करने का, क्रिएशन करने का, उनको आके वे अपना नकारात्मक विचारधारा, संकीर्ण तरह का जो उनका थॉट प्रोसेस है वो शेयर करके उनका भी मनोबल गिराने की कोशिश करते होंगे। तो दोस्तों इनसे हम लोग को डरने की आवश्यकता नहीं है, उसमें हमको ना उनसे भिड़ने की आवश्यकता है, हमें क्या करना है, उन्हें इग्नोर करना है, हमें उन्हें अवॉइड करना है। इसी के लिए दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया है अभी, मैं इसी में ऐड भी कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा कि हमने इस बार दो चीज़ हम लोग डेवलप कर रहे हैं, एक है पौधों का विकास और एक है व्यक्तित्व विकास। तो अभी तुरंत ये बोलने के बाद, शेयर करने के बाद दोस्तों ये वीडियो शुरू होगा, वीडियो का नाम है अवॉइड नेगेटिव पीपल। तो दोस्तों ये 10 मिनट का वीडियो है, तो मैं चाहता हूँ ये ज़रूर देखें आप लोग, क्योंकि अभी आप लोगों को इसी प्रकार के लोग स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, ऑफिस, गली मोहल्ले में लोग मिलते होंगे जो अपनी नकारात्मक विचारधारा जो उनके परिवेश से प्राप्त होती है या जो भी उनका एक्सपीरियंस होता है, जो भी उनके नॉलेज के हिसाब से, वो आपको नकारात्मक ही कहते हैं। तो ये आप ज़रूर देखिएगा, और उम्मीद करता हूँ कि जब इस टाइप के जो आपको लोग आके नेगेटिव बोल के या नकारात्मक बोल के आपका मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं, तो ये वीडियो आपको काफ़ी मदद करेगा। और ये वीडियो के बाद फिर से दोस्तों हम लोग एक बार मिलते हैं, और मैं फिर आपको बताता हूँ आगे हम लोग कैसे इसको आगे हम लोग इस बारे में कैसे चर्चा करने वाले हैं। आपको एक उदाहरण देके और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। कोई व्यक्ति खड़ा है, उसके पीठ में उसकी पूरी बुराइयाँ दिख रही है और उसकी छाती जो सामने का जो उसका पोर्शन है उसमें पूरी अच्छाइयाँ दिख रही है, और आप यह उम्मीद करें कि आप एक लाइन में खड़े होकर जा रहे हैं। अगर आपको उसकी बुराइयाँ दिख रही है इसका मतलब आप उसके पीछे खड़े हैं, और अगर आपको उसकी अच्छाई दिख रही है तो आप उसके आगे खड़े हैं। आपको फैसला करना है कि आप उसके आगे खड़े होना चाहते हैं या पीछे, आप आगे जाना चाहते हैं या पीछे रहना चाहते हैं। अगर आप वाकई में उससे आगे जाना चाहते हैं तो उसको, आपको उसकी अच्छाई देखना होगा,
लेकिन अगर आप उसकी बुराई देखते जा रहे हैं तो आप लाइन के पीछे हैं और आप कभी भी आगे नहीं जा सकते, क्योंकि उसकी सिर्फ बुराइयां ही आपको दिख रही है। आपको तय करना है आपको आगे जाना है या पीछे जाना है। तीन आदमी ईंटों की चुनाई कर रहे होते हैं, अचानक एक व्यक्ति आता है, तीनों से सवाल करता है। पहले व्यक्ति से वह सवाल करता है, भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? पहला व्यक्ति जवाब देता है, तुमको दिखाई नहीं देता, मैं रोजी कमा रहा हूँ। दूसरा व्यक्ति से सवाल करते हैं, भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? दूसरा व्यक्ति जवाब देता है, तुमको दिखाई नहीं देता, मैं ईंटों की चुनाई कर रहा हूँ। तीसरे व्यक्ति से भी वही सवाल करते हैं, जाके भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? तीसरा व्यक्ति प्रेम से विनम्र होकर बात करता है, भाई साहब मैं यहाँ पर एक सुंदर भवन का निर्माण कर रहा हूँ, जहाँ लोग आके यहाँ सुखी सुखी रहेंगे। आपने देखा यहाँ पर तीन व्यक्ति एक काम, तीनों का अलग अलग नज़रिया। पहले दो व्यक्ति का नज़रिया नकारात्मक था, वे अपने काम से प्यार नहीं करते थे, इसलिए किसी को वह काम रोजी के रूप में लग रहा था तो किसी को ईंटों की चुनाई के रूप में। लेकिन तीसरा व्यक्ति जिसे कि यह लग रहा था कि क्योंकि वह सकारात्मक था, उसे लग रहा था वह एक सुंदर भवन का निर्माण कर रहा है, जहाँ लोग आके रहेंगे, खुशी खुशी अपना जीवन यापन करेंगे, और यही कहलाता है सकारात्मक नजरिया। मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ कि वह व्यक्ति जो सकारात्मक था, वह अपने काम से प्यार कर रहा था, वह अपना जीवन हमेशा खुशी खुशी बिताएगा, कभी भी नकारात्मक नहीं होगा वह। और ऐसे ही लोगों की हमें इस देश को, इस दुनिया को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो सकारात्मक रहे, लोगों में सकारात्मकता पैदा करे और जीवन को एक नया अर्थ दे और कामयाब हो। निराशावादी व्यक्ति की पहचान क्या है आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। वे आम नहीं गुठली देखते हैं, हमेशा अच्छे हालात में भी हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कल क्या होगा। वे हमेशा यह सोचते हैं कि सूरज इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि परछाइयाँ दिखाते हैं। वे हमेशा अपना ज़्यादातर समय कंप्लेन काउंटर में ही बिताते हैं। निराशावादी लोग पूरी बत्ती को बुझाने के बाद देखना चाहते हैं कि अंधेरा कितना है। आप लोगों को ऐसे लोगों से दूर होना है। वे लोग बिस्तर पे सोना बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें यह सुनाई पड़ता है कि ज़्यादातर लोग जो मरे हैं वे बिस्तर में मरे हैं, इसलिए वे ज़मीन में सोना चालू कर देते हैं। ऐसे लोगों से आपको दूर होना है। आपको तय करना है कहीं आप आशावादी लोगों के साथ हैं या निराशावादी लोगों के साथ। आपको तय करना है कि आपके बीच में माहौल कैसा है। आपको चुनना है कहीं आप ऐसे लोगों के बीच तो नहीं हैं। अगर मुसीबतों के बारे में बात ना करें तो ये नाखुश हो जाते हैं, हमेशा बदतर हालात पैदा ही नहीं करते, जो भी हालात होता है उसमें और भी ज़्यादा बदतर करने की कोशिश करते हैं। आपको तय करना है कहीं आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग तो नहीं हैं। भौरे को आपने देखा है, भौरे का जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है उसके पंख की तुलना में बहुत बड़ा होता है, उसके पंख बहुत छोटे होते हैं। वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च में पाया गया है, एरोडायनामिकली वह भौरा जो है उड़ नहीं पाता, लेकिन वैज्ञानिकों को क्योंकि यह नियम मालूम है इसलिए वे फॉलो करते हैं। लेकिन भौरे को यह चीज़ मालूम नहीं है कि एरोडायनामिकली अगर मेरे पंख छोटे हैं तो मैं उड़ नहीं सकता, क्योंकि उस भौरे को यह बात मालूम नहीं, लेकिन वह मेहनत करता है, पंख फड़फड़ाता रहता है और वह उड़ता रहता है। इसे हम समझ सकते हैं कि नकारात्मक चीज़ें कितना हमारे क्षमताओं को रोक रही है, क्योंकि उस भौरे को यह बात मालूम नहीं कि एरोडायनामिकली जैसी कोई चीज़ होती है, वह तो अपने पंख फड़फड़ाने में मग्न है और उड़ता जा रहा है। हमें प्रकृति से समझना चाहिए कि हमें कितना सकारात्मक होना है। अगर आप सोचिए, अगर भौरे को यह बात मालूम होती कि ऐसी कोई चीज़ है एरोडायनामिकली या एरोडायनामिक्स जिसमें कि पंख की वैल्यू जो है, पंख का साइज़ ज़्यादा बड़ा होने से ही कोई उड़ सकता है, तो वह भौरा कभी उड़ने की नहीं सोच रहा होता। ऐसे हम लोग को प्रकृति से सकारात्मक लेना है, सकारात्मकता लेना है और सकारात्मक बनना है और हमें सफलता पाना है। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लोगों की मदद करते हैं और देखते हैं कि मदद करने के बाद भी सामने वाला व्यक्ति जो है आपको धन्यवाद बिना अदा किए वह निकल जाता है, और इस बात को लेकर आप मन ही मन दुखी होते हैं कि अरे मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, उसने मुझे धन्यवाद नहीं दिया, और आप दुखी दुखी चलते रहते हैं। और इस कारणवश आप सामने वाला जो व्यक्ति जो बहुत मदद के लिए आया था है उसके भी आप मदद नहीं करते। अगर आप में भी अगर आप उनमें से हैं तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक बार ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट के बाद 10 कोढ़ी लोग आए और उन्होंने अपना बताया समस्या। जीसस क्राइस्ट ने क्या किया, उन 10 के 10 कोढ़ियों को ठीक कर दिया। अचानक वे जब पलटे किसी काम के लिए, जब पलट के देखते हैं तो सारे के सारे कोढ़ी जा चुके होते हैं, सिर्फ एक कोढ़ी को छोड़कर जो ठीक हो चुके हैं। सारे 10 ठीक हो चुके हैं, 9 लोग जा चुके हैं,
ईसा मसीह उससे पूछते हैं बाकी लोग कहाँ गए, तो उनको जवाब मिलता है वे लोग चले गए। आप खुद सोचिए, जब ईसा मसीह जैसे व्यक्ति जिन्होंने कोढ़ को ठीक किया, जो कि बहुत ही लाइलाज बीमारी कही जाती है, उनको उन्होंने धन्यवाद नहीं दिया। ईसा मसीह से जब दसवां कोढ़ी कहता है कि वो 9 लोग बिना कुछ कहे चले गए, आपको कैसा लग रहा है, तो उनका जवाब क्या होता है, वे कहते हैं मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जब ईसा मसीह कोढ़ जैसे चीज़ को ठीक करने के बाद कह रहे हैं मैंने कुछ नहीं किया और कोई बिल्कुल भी दुखी नहीं है, वो खुश हैं, तो आप सोचिए आपने कौन सा बड़ा मदद कर दिया, और सामने वाले ने अगर धन्यवाद नहीं दिया तो आप नाराज़ क्यों हो रहे हैं, आप उदास क्यों हो रहे हैं। हमको इसमें ही सकारात्मक रवैया अपनाना है। आपको भी ध्यान रखें, आपको यहाँ पर एटीट्यूड फॉर ग्रेटिट्यूड को भावना को छोड़ना होगा। अगर कोई धन्यवाद नहीं दे रहा है, नहीं, आपको सकारात्मक होकर लोगों की मदद करनी है और आगे जाते जाना है, क्योंकि आप जब मदद करते जा रहे हैं, जाने अनजाने आप पूरी प्रकृति में मदद कर रहे हैं और हमारे देश को, हमारे दुनिया को अच्छा बनाने की कोशिश में लगे हैं। हर एक राज्य में बहुत एक होनहार राजा रहता है, बहुत अच्छे तरीके से अपने राज्य को चला रहा होता है और इसी कारण उसकी प्रजा बहुत खुशहाली में रहती है। अचानक एक दिन राजा के दिमाग में विचार आता है, मेरे जाने के बाद मेरी प्रजा का क्या होगा, तो इस बारे में सोचता रहता है। सारे मंत्रियों को बुलाता है और कहता है आप पूरी ज़िंदगी का सार बना के एक किताब बना के लाइए, जो मैं अपनी प्रजा को दे सकूँ, जिससे कि वह प्रजा पढ़े और मेरे जाने के बाद भी वह सकारात्मक रवैये से अपने राज्य को और खुशी खुशी जीना चलता रहे। तो सारे मंत्री जाते हैं, गहन अध्ययन करने के बाद इतनी मोटी सी किताब में लिख के लाते हैं। राजा समझ जाते हैं इतनी मोटी किताब मेरी प्रजा के पास समय नहीं, वो पढ़ नहीं सकते, दोबारा भेजते हैं, इसमें से और भी जो गुड़ है उसको लेके आओ। मंत्री दोबारा जाते हैं और फिर से एक मोटी सी किताब को लेके आते हैं और फिर दिखाते हैं। राजा फिर कहता है मेरी प्रजा जो इतनी व्यस्त है शायद इस किताब को ना पढ़ पाए। ये प्रक्रिया चलती रहती है और बार बार। अब उसके बाद जब मंत्री लोग जो है पतली सी किताब लेके आते हैं, तो राजा फिर से वही बात कहते हैं कि मेरी प्रजा के पास समय नहीं है, वह यह किताब नहीं पढ़ सकती। तो उसके बाद एक मंत्री आते हैं, वह कहते हैं महाराज आपको अगर मैं यह एक लाइन बता रहा हूँ, अगर ये लाइन आप अपनी प्रजा को बता दें तो किसी भी किताब की ज़रूरत नहीं है, और अगर ये लाइन को फॉलो करेंगे तो आपकी प्रजा कभी भी दुखी नहीं रहेगी। तो महाराज पूछते हैं कि वह लाइन क्या है। अंग्रेजी में वह लाइन लिख के लाते हैं। वह लाइन कहती है देर इज़ नो फ्री लंच, मुफ्त में खाना नहीं मिलेगा, मुफ्त में खाना नहीं मिलता है। महाराज जब प्रजा यह बात समझ जाएगी कि कोई भी काम मुफ्त में नहीं होता, उस दिन वह हमेशा सफल हो जाएगी, क्योंकि वह मेहनत करेगी, पैसे कमाएगी और पैसा पटाने के बाद उसे सारे सुख सुविधाएं का जो है दायित्व है मिलेगा। अगर आप महाराज यह बात प्रजा को बता दें तो कभी भी प्रजा आपकी जो है उदास नहीं रहेगी, हमेशा आपका राज्य खुशहाल रहेगा। तो आपको भी तय करना है कि आपको यह मानसिकता छोड़नी होगी कि मुफ्त में कोई चीज़ मिल रही है। अगर आप कोई ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि आप उसकी कीमत हमेशा पटाने को तैयार रहें, कोई क्योंकि जब भी आप मुफ्त में करते हैं आपको वहाँ पर गुणवत्ता में कहीं ना कहीं आपको संचय करना पड़ेगा। कभी भी ध्यान रखें, आप कोई भी चीज़ लें आपको उसकी कीमत चुकानी है, और यही सकारात्मक नज़रिया है। एक बार एक आदमी देखता है कि उसके कुत्ते में एक अलग ही शक्ति आ गई है। वह शक्ति इस प्रकार रहती है कि कुत्ता जो है तालाब के ऊपर दौड़ने और चलने लग जाता है। इस बात से प्रफुल्लित होकर दोस्त कुत्ते का मालिक सोचता है क्यों ना इसे अपने दोस्त को दिखाया जाए। वह दोस्त को न्योता देता है पिकनिक में चलने पर। दोनों अपने कुत्ते के साथ जाते हैं तालाब के किनारे बतख को पकड़ने के लिए। कुत्ते का दोस्त गोली मार मार के बतख का शिकार करते जाता है और कुत्ता जो है भाग भाग कर तालाब के ऊपर जाके बतख को पकड़ के लाते जाता है। 1 घंटा बीत जाता है, 2 घंटा बीत जाता है। कुत्ते का मालिक सोचता है कि उसका दोस्त अब कोई प्रतिक्रिया करेगा, लेकिन शाम ढल जाती है। 3 घंटे बाद दोनों वापस लौटने चलते हैं और कुत्ता भी उनके साथ चलता है। तो कुत्ते का मालिक अपने दोस्त से पूछता है यार तूने क्या कोई मेरे कुत्ते में कोई अनोखी बात देखी। तो यहाँ पर जवाब मिलता है हाँ मैंने देखा कि तुम्हारा कुत्ता तैर नहीं सकता। तो दोस्तों आपने देखा यह ही है क्या, ये नकारात्मक नज़रिए का एक उदाहरण नहीं है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आपको दिख रहा है वह कोशिश कर रहा है कि क्या नकारात्मक है वही निकालने की कोशिश कर रहा है। आपको तय करना है कहीं आप ऐसे लोगों के बीच तो नहीं है।
हम लोग यहाँ पर हमेशा नकारात्मक देखते हैं तो सामने वाले की सकारात्मक चीज़ें हमको नहीं मिल पाती है। हम लोग इसी बात से दुख होते हैं हमारे पास क्या नहीं है, क्या नहीं है, इस बात को दुखी हो कि हम लोग ये भूल जाते हैं कि भगवान ने हमें इतना अच्छा जीवन दिया है, दो अच्छी आँखें दी है, इतना सुंदर चेहरा दिया है और मस्तिष्क दिया है, उसका हम इस्तेमाल नहीं करते, जो हमारे पास नहीं है उसको लेके हम हमेशा दुख मनाते रहते हैं। तो आपको तय करना है, कहीं आप भी उस लिस्ट में शामिल तो नहीं हैं? तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने यह जो हमने अवॉइड नेगेटिव पीपल वाला जो वीडियो बनाया है वो आपने देखा होगा ध्यान से, और इसमें काफ़ी मैंने लोगों के बारे में बात किया है जो लोग आते हैं और अपना नेगेटिव एडवाइस देते हैं और किस प्रकार आपका मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमारे साथ अभी हुआ। लेकिन उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल ऐसी समस्याओं से बिल्कुल सॉल्व कर पाएंगे, और जो भी आपको अगर इस टाइप का कोई नेगेटिव व्यक्ति मिल जाता है जो आपको परेशान करता है तो ये वीडियो आप उनको ज़रूर फॉरवर्ड करें, तो अपने आप उसका आप जवाब जो है उसको मिल जाएगा कि कहाँ समस्या है। और दोस्तों, एक बात और इम्पॉर्टेंट ये शेयर करना चाहता हूँ कि इस प्रकार अभी नेगेटिव चीज़ें आने के कारण हमें डिस्टर्बेंस ना लेके आपने जो पॉजिटिव चीज़ दिया उसके कारण ये वीडियो मैं जैसे तैयार कर रहा हूँ, फिर से बताया मैंने। और ऐसे लोगों को हमको इग्नोर करना, अवॉइड करना है, क्योंकि ऐसे बाधाएं आएंगी। तो इसी में मैं ये कहना चाहता हूँ, तो दोस्तों मैं यही बात कह रहा था कि आपके पॉजिटिव कमेंट और के कारण जो मेरा मनोबल जो बढ़ा उसी कारण मैंने यह वीडियो तैयार किया, और ऐसे नेगेटिव कमेंट हमें कभी भी डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसी बाधाएं आती रहेंगी और ऐसे बाधाओं को पार करके ही आपको आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि बाधाएं आती हैं, आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पे बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगा के जलना होगा, कदम मिला के चलना होगा, कदम मिला के चलना होगा। तो दोस्तों, हम लोग कदम मिला के चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, ऐसे बाधाओं को हम लोग ध्यान नहीं देंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक जो है आपका व्यक्तित्व विकास का जो है काफ़ी अच्छा आपको फ़ायदा होगा, और जब भी आपको इस प्रकार नकारात्मक लोग मिले तो आप यह वीडियो ज़रूर उनको शेयर करें, तो उनका अपने आप जवाब मिल जाएगा। तो ऐसे लोगों से आपको अवॉइड होना है, आपको इनको इग्नोर करना है, ऐसे लोगों में आपको ध्यान नहीं देना है। तो इसलिए मैं ध्यान ना देते दोस्तों हम लोग फाइनली हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो मेन हम लोग वीडियो हम लोग तैयार करने जा रहे हैं, तो देखते हैं दोस्तों वो क्या है। तो दोस्तों, बहुत अच्छे व्यक्तित्व विकास का हम लोग डिस्कशन करने के बाद मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, यहाँ पर आज हम लोग एक लिक्विड खाद बहुत ही आसान तरीके से हम लोग बनाने जा रहे हैं, जिसमें आपका बिल्कुल कोई भी किसी तरह का कोई आपका खर्चा नहीं होगा। और दोस्तों, ये जो लिक्विड खाद हम लोग तैयार कर रहे हैं वो स्पेशली, जैसे आप देख सकते हैं, ये अभी मनी प्लांट है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ये दोस्तों, ख़ास तौर से ये जो वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ ये स्पेशली इस मनी प्लांट के लिए है, जो कभी कभी क्या होता है पत्ते जो है डल हो जाते हैं या उसके पत्ते निकलने लगते हैं। तो ऐसा अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप, हमने क्या किया हुआ दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने केले के छिलके रखे हैं, टोटल 6 केले के छिलके। आपको क्या करना है, 6 या फिर आप 12 केले के छिलके भी ले सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मैं आपको रियर व्यू में आपको कराता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों, जैसे मैं बता रहा था कि हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट ये वीडियो बना रहे हैं, ये है लिक्विड खाद, और एग्जैक्टली ये लिक्विड हार्मोन का भी काम करेगा। आपको करना ये है कि 6 हमने केले के छिलके लिए हैं, और हमने ये आप देख सकते हैं हमने एक लिया हुआ है, एक बकेट लिया हुआ है जो पेंट वाला है, उसमें हमने पानी भर दिया है। और ये है दोस्तों 6 बकेट, 6 केले के छिलके। अब इसको क्या करना है दोस्तों, आपको बकेट में आपको इस प्रकार डाल देना, तो हमने डाल दिए। अब ये बस इतना करना है, उसको आपको छोड़ देना है कितने दिन, 15 दिन तक आपको इसको वेट करना है। इससे ये होगा कि ये जो है लिक्विड हार्मोन में, लिक्विड खाद में ये कन्वर्ट हो जाएगा, जो एग्जैक्टली लिक्विड हार्मोन है। तो इस प्रकार जो पत्ते आपको मजबूत चाहिए, ताकि आप चाहें कि मनी प्लांट जो है उसके पत्ते ना निकले और हमेशा हरे भरे रहे, तो उसके लिए आपको ये लिक्विड हार्मोन काफ़ी हेल्प करेगा। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं पानी एकदम साफ़ है,
और 15 दिन के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कैसे पानी का कलर चेंज हुआ और काफ़ी वो इवेपोरेट हो जाता है, इसलिए हमने भर के रखा हुआ है। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग 15 दिनों के बाद, फिर हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं कि कैसे हमारा ये नया लिक्विड खाद, लिक्विड हार्मोन बना है। तो दोस्तों मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे एजुकेशन चैनल #RaoSir113 में फिर से एक बार, और मैं हूँ आपका दोस्त सुशील। और दोस्तों हमने इससे पहले मुलाकात की थी ठीक 7 दिन पहले, और जैसे कि आपने थंबनेल देखा था कि हम लोग लिक्विड खाद बनाने जा रहे हैं 2.0 दोस्तों, इसलिए मैंने मेंशन किया है क्योंकि इसके पहले भी मैंने एक लिक्विड खाद बनाया है, उम्मीद करता हूँ वो भी आपने देखा होगा और आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मुझे ज़रूर आप एक बार फिर से बताएं जिन्होंने अभी तक मुझे नहीं बताया है। और दोस्तों 7 दिन पहले मैंने आपको ये बताया था कि हम लोग लिक्विड खाद, लिक्विड हार्मोन जो केलों के छिलके से हम लोग बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग 15 दिन का समय लेंगे, मैंने बताया था। और मैं चाह रहा था कि 7 दिन बाद आप देखें कि क्या कंडीशन है, और उसके बाद आप लोग इसे चाहे तो 15 दिन तक रख सकते हैं। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा 7 दिन बाद जो हमने तैयार किया था, जैसे हमने दोस्तों हमने बात किया था कि हम लोग स्पेशली ये जो लिक्विड खाद तैयार कर रहे हैं, ये जैसे आप देख सकते हैं मनी प्लांट है, ये वाला और ये वाला जो है स्पेशली, तो ये स्पेशली हम लोग लिक्विड खाद जो तैयार कर रहे हैं वो मनी प्लांट के लिए कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। और ये क्या है, ये लिक्विड हार्मोन है, और ये आपके पत्तों के लिए बहुत ज़्यादा शाइन करने वाला है और बढ़िया एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रोथ करने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत कार्बन के बेहतरीन तरीके से इसमें एलिमेंट है और इसमें आपको कोई भी खर्चा नहीं है। सबसे अच्छी बात क्या होता है दोस्तों, हम लोग ये वीडियो बनाने के पीछे लॉजिक क्या हो रहा है कि हम लोग कचरा जो है वो फेंक देते हैं, और ये अगर कचरे से अगर आप खाद बना रहे हैं, मतलब आप कचरे से आप सोना बना रहे हैं, तो इसलिए हमारा ये उद्देश्य था। तो एक बार देखते हैं दोस्तों, फिर हम लोग और आगे बात करते हैं कि आपको कैसे इसको यूज़ करना है और 7 से 15 दिन तक कैसे लेना है। तो दोस्तों मैं आपको भी डिटेल बताने जा रहा हूँ, ये आपके सामने देख सकते हैं बकेट है जो हमने यूज़ किया था, और ये पीछे आप देख पा रहे हैं, तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, फिर हम लोग आगे बात करते हैं दोस्तों कि इसको कैसे आपको यूज़ करना है। तो दोस्तों जैसे कि आप बकेट देख पा रहे हैं, मैंने उसमें एक स्पेशल तरीके का एक कवर भी किया हुआ जिसमें काफ़ी होल्स हैं ताकि उसमें एयर जो है पास होते रहे, और मैं ये मनी प्लांट की बात कर रहा हूँ, 1, 2, 3 और 4। तो ये स्पेशली हम लोग ये मनी प्लांट के लिए हम लोग ये खाद तैयार कर रहे हैं दोस्तों, जो लिक्विड खाद है, दरअसल ये लिक्विड हार्मोन है, और ये इसमें कार्बन के बहुत शानदार एलिमेंट्स हैं। तो ये आपके जो जो पत्ते हैं, कभी कभी क्या होता है दोस्तों पत्ते टूट जाते हैं या उसमें शाइन नहीं रहती है, तो ये यूज़ करने के बाद आप में काफ़ी हद तक इसमें शाइन रहने वाला है। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं, और मैं आपको मैंने बताया था ये पुराने जो पेड़ हैं पिछली बार भी मैंने आपको दिखाया था, तो ये सारे पेड़ों में भी आप जो है यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली हम लोग जो ये तैयार कर रहे हैं वो हमारा उसके पीछे कॉन्सेप्ट है स्पेशली मनी प्लांट के लिए, जैसे आप ये देख पा रहे हैं। हालांकि आप ये कॉटन के पेड़ में, जैसे मैं अभी यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ जैसे आप देख सकते हैं सॉन्ग ऑफ इंडिया है, और एक और है सॉन्ग ऑफ इंडिया, कॉटन है, इरिका पाम है, इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली दोस्तों ये हम लोग तैयार कर रहे हैं मनी प्लांट के लिए। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों कि 7 दिन के अंदर कैसे ये चेंज हो गया। तो आप देख सकते हैं कि पानी का रंग जो है, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, पूरा ये डार्क हो गया है। और पानी दोस्तों हमने यहाँ तक भरा था और ये इसका लेवल नीचे आ गया, मतलब काफ़ी ये एक तो वेपोराइज हो गया है और काफ़ी ये बनने के बाद गाढ़ा हो जाता है, तो पानी की मात्रा कम हो जाती है।
अच्छा दोस्तों, लकड़ी मैंने क्यों रखी है? ये लकड़ी मैंने इसलिए रखी है, ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि 7 दिन पहले हमने केले के छिलके रखे थे। अब वो केले के छिलके देखिए आप, पूरी तरह वो गल गए हैं। इसका मतलब ये है कि 7 दिन में ही ये एक तरह से ये पूरी तरह तैयार है। मैं फिर से दिखाता हूँ, केले के छिलके हमने पिछले बार रखे थे ये, अब देख सकते हैं करीब करीब ये केले के छिलके गल गए हैं 7 दिन में। और हम लोग को थोड़ा थोड़ा यूज़ करना है, तो 7 दिन तक आप और रखेंगे तो 15 दिन में ये पूरी तरह ये पूरा और गल जाएगा, ठीक है। अब ये पानी का रंग भी चेंज हो गया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना चेंज हो गया। ये आप देख सकते हैं, ये मैं आपके लिए और अच्छे से दिखाता हूँ, ये पानी का रंग चेंज हो गया। तो दोस्तों ये पानी का रंग चेंज हो गया और ये केले का पत्ता भी पूरी तरह गल गया है। इससे ये साबित हो रहा है कि हमारा जो लिक्विड खाद है वो लगभग तैयार हो गया है। अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आपको यूज़ कैसे करना है दोस्तों, ये भी मैं बता रहा हूँ। ये आपको छोटा सा स्टेप से लेना है। मैंने एक छोटा सा एक मग के लिए मैंने ये यूज़ किया है। ये मनी प्लांट है दोस्तों, तो ये आपको मनी प्लांट में बस इतना जो भी आपके पत्ते हैं इस प्रकार आपको सभी पत्तों को ये गीला करना है। जैसे अभी मैं आप देख सकते हैं मैं ये कर रहा हूँ। और उसके बाद दोस्तों ये जो है इसमें आप जो है ये पत्तों के अलावा आप इसमें भी आप डाल सकते हैं, तो ये भी आपको ये भी जड़ों में भी आपको ये पूरी तरह काम करेगा। तो इतना ही करना है दोस्तों आपको, और डेली आप थोड़ा थोड़ा आप अगर आप इस टाइप से जैसे मैं आप अभी आप देख पा रहे हैं, मैं पूरा आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इतना ही बस करना है। सारे पत्तों को आपको गीले करने हैं, इसमें इतना शानदार तरीके से एक ग्रोथ होगा आपका मनी प्लांट और बहुत ज़्यादा शाइन रहेगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली है और आप लोग ज़रूर यूज़ करेंगे। मैं चाहता हूँ आपके घर में भी जो पेड़ है इसी प्रकार ग्रो करें, शाइन करें और आपके घर में बढ़िया हरियाली बनी रहे। एक और दोस्तों ये वाला भी मनी प्लांट है, इसमें भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं भी यहाँ डाल रहा हूँ, तो जड़ों के लिए और पत्ते में भी आप लोग डाल सकते हैं। तो इस प्रकार इसके अलावा आपको अगर इंटरेस्ट है तो दोस्तों बाकी पेड़ में भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, क्रॉटन है, सॉन्ग ऑफ इंडिया है और अलग अलग आप शो प्लांट्स आप देख सकते हैं। तो 7 दिन के अंदर ही दोस्तों आप इसका यूज़ करना शुरू करें और थोड़ा थोड़ा करेंगे तो ये 15 दिन तक भी आपके ये फाइनली और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से आपका पेड़ ग्रो करेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग ये यूज़ करने वाले हैं। एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ कि हमारे पेड़ों का ग्रोथ जो हो रहा है वो काफ़ी हेल्प करता है ये लिक्विड खाद, लिक्विड हार्मोन, कार्बन से लबरेज। और ये देख सकते हैं दोस्तों पानी का रंग बिल्कुल बदल गया है। तो दोस्तों देखा आपने, हमने 7 दिन के अंदर बहुत बढ़िया बिना खर्चे के लिक्विड खाद हमने तैयार किया, जो एग्जैक्टली बनी प्लांट्स के हमने स्पेशली फोकस किया हुआ था ये वाला वीडियो। और इसको लिक्विड हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि ये मनी प्लांट के जड़ों तक जाता है और उसके पत्तियों को काफ़ी हद तक स्ट्रांग रखता है और काफ़ी अच्छा वो उसमें शाइन हो जाता है। अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और काफ़ी इसमें सबसे खास बात यह है दोस्तों कि आपको किसी तरह का कोई खर्चा नहीं करना है। और अभी तक जो कचरा बाहर फेंका करते थे जिसके कारण काफ़ी गंदगी भी रहती है घर के आसपास में, तो ये उससे भी बचाव करेगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आप लोग ये लिक्विड खाद बनाने वाले हैं और आपके यहाँ भी इसी प्रकार हरियाली हो, यही मेरी मैं चाह रहा था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा।
और आप लोग भी घर में इसी प्रकार लिक्विड खाद बनाएंगे, तो दोस्तों लिक्विड खाद बनाएं और इस प्रकार पौधारोपण करें, और उसके आपको कैसे रिजल्ट मिले हैं तो मुझे आप ज़रूर बताएं, ताकि मुझे समझ में आए कि हमारा वीडियो से कितने लोगों को ये फ़ायदा हुआ है। और जैसे कि मैंने बताया था कि काफ़ी अच्छे लोगों ने मुझे कमेंट दिया था, हमारा चैनल का मनोबल बढ़ा, तो उम्मीद करता हूँ इस बार भी आप लोग बताएंगे दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा लगा। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा दोस्तों, क्योंकि एक पौधा अगर आप एक एक पौधा भी अगर एक व्यक्ति लगाता है तो आप सोच सकते हैं कि कितना हरियाली हो सकता है, और हम लोग जो प्रदूषण के संकट से हम लोग जो गुजर रहे हैं उससे हम लोग बच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और बिल्कुल आप लोग घर में पौधारोपण करेंगे, खाद बनाएंगे। लेकिन हो सकता है दोस्तों कि कुछ लोगों के वीडियो पकाओ भी लगे, जैसे कि पिछले बार सुचेता चौधरी ने कमेंट किया था अच्छा पकाते हो। लेकिन दोस्तों मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये वीडियो देखने के बाद कोई एक भी व्यक्ति अगर पौधारोपण करता है और ये खाद बनाने का प्रोसेस बनाता है, उसके घर में इस प्रकार डेवलपमेंट होता है पौधों का, हरियाली का, तो मैं मानूंगा कि हमारा वीडियो सक्सेस है और हमारा जो प्रदूषण लेवल है उसमें हम लोग एक भागीदार बनने वाले हैं कम करने के लिए। क्योंकि जैसे मैं हमेशा बताता हूँ दोस्तों जैसे हमेशा बताता हूँ दोस्तों मैं कि हमें जो हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, बाजारीकरण का जो दौर चल रहा है, जिसमें हम लोग काफ़ी हम लोग कॉलोनी में रह रहे हैं, और वहाँ भी आपके पास जो बगीचे की जो ज़मीन है वहाँ पर जो बगीचा रहा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सांस्कृतिक भवनों का निर्माण कर दिया जाता है ना, वहाँ पर झूले हैं बच्चे जहाँ पर खेलें, जैसे कि हम लोग बचपन में दोस्तों खेला करते थे, और ना वहाँ कोई वॉकिंग ट्रैक है जहाँ लोग आके वॉकिंग कर सके। तो काफ़ी गंभीर स्थिति है दोस्तों, क्योंकि अगर अगर आपके घर के आसपास बगीचे नहीं होंगे तो आप जा कहाँ जाके अपने बच्चों को आपके बच्चे कहाँ खेलेंगे, पहला सवाल ये। दूसरा, अभी हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों कि सबसे ज़्यादा जो खर्चा होता है वो हेल्थ डिपार्टमेंट में होता है, किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। अगर वे लोग ही अगर जाके अपने घर के सामने अगर उनके अच्छे से बगीचे बना दिए जाएँ जहाँ वॉकिंग ट्रैक हो, जहाँ सैकड़ों की तादाद में पेड़ हो, तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, तो और वहाँ भी अगर आधे घंटे भी अपना समय बिताते हैं तो किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी उनको समस्या नहीं होगी। तो ये वीडियो के पीछे रीज़न यही है दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि पौधारोपण हो, और ये वीडियो में अगर देख के अगर कोई एक भी पौधारोपण कर लेता है और इस प्रकार खाद बना के उनके घर में जो पौधे हैं वो डेवलप होते हैं, तो मैं समझूंगा हमारा वीडियो ये सक्सेस है। और तो दोस्तों इसी के साथ अगले वीडियो में आपको मैं वादा करता हूँ कि इसी प्रकार के अच्छे कंटेंट के साथ मैं नए वीडियो में मिलूँगा। तब तक ये उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि यह वीडियो कैसा लगा। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो भी खास इसलिए है कि हमने इस बार पौधा विकास के साथ व्यक्तित्व विकास को भी हमने जोड़ा है, तो आप वो भी मुझे बताइएगा कि व्यक्तित्व विकास का जो लेक्चर था वो आपको कैसा लगा। और तब तक दोस्तों मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ, और यही कहता हूँ कि पौधा लगाएं, नकारात्मक लोग जो नेगेटिव पीपल हैं उनसे सोशल डिस्टेंसिंग रखें, दूर रहें, पौधे लगाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द, और एक बार फिर से उनको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ दोस्तों, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, जो हमारा वीडियो देख रहे हैं। और दोस्तों जब आप कमेंट करेंगे तो मैं पर्सनली आपको मैं बिल्कुल थैंक्स करूँगा, जैसे अभी मैंने ये वीडियो में मैंने थैंक्स किया रीत को, जो फिटनेस एंड फेरी चैनल से है, फिटनेस मोटिवेशनल
चैनल से है, फैशन एंड फेरी से है रीत, और फिटनेस मोटिवेशन चैनल जिन्होंने हमें हमारा चैनल को सपोर्ट कर रहा है, और मैं लक्ष्मण रेड्डी का भी, मैं जो विशाखापट्टनम से काफ़ी हमारे वीडियो को सपोर्ट करते हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और राजेश शंकर जी ने भी एक सवाल किया था और उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। तो मुझे समझ में आएगा दोस्तों कि आपने कैसा लगा आपको जब आप कमेंट बॉक्स में इस प्रकार कमेंट देते हैं। और अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, पौधे लगाएं, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।